आई होप गाइज कि आपको ये गाना जरूर अच्छा लगेगा। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम किस तरह से अपने सॉन्ग को रिकॉर्ड करते हैं और उसको किस लिए एडिट किया जाता है। तो गाइज एडिट करने की बात हम बाद में करते हैं, सबसे पहले आपने एक चीज जरूर ध्यान में देखी होगी कि जब हम इसको प्ले कर रहे थे तो उसी टाइम यहाँ पर देखिए एक ही टाइम आपको यहाँ पर ट्रम्पेट और स्ट्रिंग देखने को मिलेगी। तो हमने एक वीडियो में इस चीज को पूरा समझाया था, काफी सारे लोग वीडियो नहीं देखते हैं। तो गाइस ये देखिए, इसमें हमने इस वक्त दोनों ट्यूनिंग सेट की हुई है, यानी एक टाइम में एक ही बैंक में एक ही नंबर में दो टोन, यहाँ पर स्ट्रिंग है और यहाँ पर ट्रम्पेट है, और इसका ऑक्टेव भी हाई में है। तो ये हमने वीडियो, इसका अगर आपने फंक्शन सीखना होगा तो मैं वीडियो लिंक में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो कि किस प्रकार से ये वाला सिस्टम किया जाता है। यानी यहाँ पर आप ट्रम्पेट प्ले कर रहे हो, यहाँ पर आप स्ट्रिंग प्ले कर रहे हो। इसके अलावा अब देखिए, जब हमने वीडियो बनाई तो वीडियो बनाने के बाद आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ। तो आइए गाइज रिकॉर्डिंग के बाद अब बात करते हैं एडिटिंग की। तो सबसे पहले तो हम अपने फ़ोन में जाएंगे, उसके बाद उस वीडियो को चेक करेंगे जो हमने बनाया था। तो ये हमारा वीडियो था, तो ये गाइज देखिए 411 नंबर पर है। तो अब हम क्या करेंगे कि वेव एडिटर में जाएंगे, और एडिटर में जाने के बाद यहाँ पर DCIM में जाएंगे, और यहाँ पर जो हमारा वीडियो था, एक मिनट फिर से जाएंगे गाइस, थोड़ा गलती हो गया। यहाँ पर आप 411 नंबर हमारा था, तो इसको हम जैसे क्लिक करेंगे। अब गाइस इस एडिटर की एक बात अच्छी है कि ये वीडियो को डायरेक्ट ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी जैसे ऑडियो हमारा कन्वर्ट होता है, तो गाइस जो हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया था वो हमारा मोनो में होता है, जो फोन में रिकॉर्ड होगा वो मोनो में होगा। अब मोनो का साउंड कैसा होता है मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। तो गाइस मोनो साउंड कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन अब हम इसको स्टीरियो में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें इफेक्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ पर डीले लिखा हुआ है। डीले में यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इको और क्रॉस ओवर। तो इसमें हम जो क्रॉसओवर वाला सिस्टम है इसको ओके करेंगे, और हम क्रॉसओवर 06 पे रखेंगे। अगर आप डबल टैप करते हो यहाँ पर आप वैल्यू इसकी, एक मिनट गाइस थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है कैमरा। तो गाइस यहाँ पर आप वैल्यू 06 आप डायरेक्ट लिख के भी भर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पर 06 भरेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक कुछ इस प्रकार से आ जाएगा लाइट थोड़ा। तो ये हमारा आ चुका है, इसके बाद हम इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद जो हमारा साउंड है ऊपर और नीचे दोनों, लेफ्ट राइट साउंड पूरा अब अलग अलग है, यानी हमें लेफ्ट में भी अलग से आवाज़ आएगी, राइट में भी अलग से आवाज़ आएगी, जो कि सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो आपने अभी सॉन्ग सुना होगा पहले वाला, उसमें आपको लेफ्ट राइट दोनों में आवाज़ आ रही थी, जो बीच में हमने सॉन्ग सुनाया वो मोनो साउंड था जो कि ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है। इसके बाद आप चाहो तो इसमें ग्राफिक EQ करके यहाँ पर थोड़ा बेस, मतलब आपको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जिससे गाना थोड़ा बेस में प्ले होता है और अच्छा लगता है। इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं है, बस इसको टिक करना है। टिक करने के बाद आप यहाँ पर नॉर्मल जाइए, एक्सपोर्ट में जाइए, और यहाँ पर ट्रैक लिखा हुआ है ट्रैक में करेंगे, यहाँ पर इसको कोडिंग को MP3 में कर देंगे, और यहाँ पर जो चैनल लिखा हुआ इसको हम स्टीरियो कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर 128 KB है तो आप यहाँ पर 320 कर लीजिए, और उसका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद हमारा मेन काम क्या रहता है कि हम जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ हमारा फाइल मैनेजर जाएगा, तो उसके बाद हम काइनमास्टर में लेंगे। काइनमास्टर में जाने के बाद नॉर्मली आप इस वीडियो को लीजिए। वीडियो को लेने के बाद यहाँ पर देखिए एक बार, मैं आपको पूरा फिर से दिखा रहा हूँ। अब ये हमारा वीडियो है, इसका जो हम ऑडियो बिल्कुल कम कर देंगे, जैसे हमारा 0 पहले से ही, और उसके बाद हम उस ऑडियो को लेंगे जो हमने अभी एडिट की होगी, जैसे मैंने इस नाम से सेव कर ली। बस इतना करेंगे कि उसके बाद जो हमारा इसका साउंड है बिल्कुल कम रहेगा, और इसका साउंड अब फुल आ गया। तो अब हम अगर प्ले करते हैं तो हमारा जो दोनों का जो साउंड है, गाइस बस इस प्रकार से आप अपना म्यूजिक सेट कर सकते हो, पूरा के पूरा साउंड एक साथ आया होगा। इसके बाद आप इसको कटिंग अगर आपने आगे पीछे करना तो आप कर सकते हो, उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर शेयर कीजिए और किसी भी फॉर्मेट में इसको आप सेव कर सकते हो। आई होप गाइस कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मैं अगली और ऐसी वीडियो देता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।